हेलो गाइस, मेरा नाम है विशेष और आप देख रहे हैं मार्वल लवर्स इंडिया। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक विडो के बारे में और साथ ही हम बात करने वाले हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक विडो के बारे में। तो ब्लैक विडो का 29 जून 2021 में वर्ल्ड प्रीमियर फैन इवेंट हुआ था, जो कि 3 जगह हुआ था, लंदन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक विडो के वर्ल्ड प्रीमियर फैन इवेंट में जो लंदन में हुआ था उसमें बारे में। तो फैन इवेंट जो लंदन में हुआ था वो बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि काफ़ी फैंस आए थे, मार्वल स्टूडियोज़ के फैंस आए थे ब्लैक विडो मूवी देखने के लिए। और वहाँ पे फैन लंदन के फैन इवेंट में हमें दिखाई थी फ्लोरेंस पब, जो कि एरिना का रोल प्ले करती है ब्लैक विडो मूवी में। तो फ्लोरेंस ने अपना एक्सपीरियंस बताया था वहाँ पे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ब्लैक विडो मूवी में। और अब बात करते हैं न्यूयॉर्क के फैन इवेंट में। तो न्यूयॉर्क के फैन इवेंट में हमें दिखाई दिए डेविड हर्बर। तो डेविड हर्बर ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था ब्लैक विडो मूवी में कि उनका उन दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। वहीं पर उन्होंने स्पीच भी दी थी। और अब बात करते हैं लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के वर्ल्ड प्रीमियर फैन इवेंट में। तो वहाँ हमें दिखाई दिए मार्वल स्टूडियोज़ के प्रेसिडेंट केविन फैगी। उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि कैसे उन्होंने मेहनत की है ब्लैक विडो मूवी बनाने में। तो तीनों फैन वर्ल्ड प्रीमियर के फैन इवेंट में हमें स्कारलेट जॉनसन नहीं दिखाई दी। तो ब्लैक विडो मूवी शुरू होने से पहले स्कारलेट जॉनसन का एक मैसेज आया था जो मार्वल स्टूडियोज़ ने शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट स्टोरी में। तो वहाँ के तीनों शहरों में ब्लैक विडो मूवी बहुत पसंद आने लगी है और ब्लैक विडो मूवी कमाल होने लगी है, पसंद आने लगी है वहाँ के लोगों को। और रोटन टमेटो रेटिंग भी आई है ब्लैक विडो मूवी की, जो कि है 89% दिखा रहे हैं ब्लैक विडो मूवी का और 53 रिव्यूज़ दिखा रहे हैं। तो ब्लैक विडो मूवी तो USA में कमाल कर रही है और बुकिंग भी वहाँ स्टार्ट हो गई है USA में। और अब बात करते हैं कि इंडिया में कब शुरू होगी ब्लैक विडो मूवी की बुकिंग डेट। तो मैं बताता हूँ कि संडे से शुरुआत हो सकती है, बाकी जब जैसी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी ब्लैक विडो की तो मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को बता दूँगा। तो अभी तो फ़िलहाल थिएटर्स बंद है कोरोना की वजह से, जैसी अगर बुकिंग खुल जाएंगी ब्लैक विडो मूवी की इंडिया में तो मैं आप लोगों को बता दूँगा। और अब बात करते हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के बारे में। रिसेंटली अभी मार्वल स्टूडियोज़ के प्रेसिडेंट केविन फैगी ने कंफर्म कर दिया है कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है एटलांटा में। तो फाइनली प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर क्यों नाम रखा हम ब्लैक पैंथर 2 का, क्योंकि वकांडा से रिलेटेड बताया जाएगा ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि मार्वल स्टूडियोज़ के प्रेसिडेंट केविन फैगी ने खुद कन्फर्म कर दिया है कि वो न्यू ब्लैक पैंथर रिकास्ट नहीं करने वाले हैं। तो फाइनली यही होने वाला है। तो गाइस, कैसा लगा मेरा वीडियो? आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहो। टिल देन मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब मार्वल लवर्स इंडिया। मार्वल लवर्स इंडिया, कीप लव।